माँ भारती का प्रणाम करता हूँ, सबके गुरु माता पिता को प्रणाम करता हूँ, बच्चों ढेर सारा लाड प्यार और सभी लोगों को सुबह सुबह की राम राम। अक्सर बहुत सारे पति पूछते हैं, ऐसा नहीं है कि पति पत्नियों की चिंता नहीं करते, बहुत सारे बल्कि ज्यादातर करते हैं, तो वो अक्सर ये पूछते हैं ये बीमार क्यों रहती है, आखिर ऐसी क्या चीज है जो ये ठीक नहीं रहती। मैं भी चिंता करता हूँ, घर भी सफर करता है, क्या ये ठीक हो सकती है। बहुत सारे तो यही जानना चाहते हैं, आखिर कारण क्या है, ऐसा क्या ये खाती है, ऐसा क्या इनके शरीर में कि ये बीमार रहती है। मैं बताता हूँ, देखिए शादी के समय जो कुंडली मिलान किया जाता है वो बहुत महत्वपूर्ण होता है। अब सब लोग कहेंगे कि हमने तो किया था। सामान्यतः जो कुंडली मिलान किया जाता है वह अधूरा किया जाता है, केवल एक ग्रह और नक्षत्र से ही कुंडली का मिलान कर दिया जाता है, वह पूरी तरह ठीक नहीं है। कुछ लोग मंगल राहु शनि मिला लेते हैं, वह भी अधूरा है, वह भी पूर्ण नहीं हुआ। दरअसल कुंडली मिलान की बड़ी लंबी और गहरी प्रक्रिया है जिसमें हर भाव का हर भाव से मिलान किया जाता है और उसके उपरांत विवाह तय किया जाता है। खैर अब यहां तो चूंकि पति पूछ रहे हैं इसका मतलब विवाह तो हो ही चुका है, तो कुंडली मिलान की बात क्या करें। अब कुछ फैक्टर्स की बात करते हैं जिसकी वजह से गड़बड़ हो रही है और इसको ठीक किया जा सकता है, काफी हद तक ठीक किया जा सकता है, आगे पूछा, लेकिन प्रयत्न कीजिएगा। लड़कों की कुंडली में या पुरुषों की कुंडली में दूसरा, चौथा, सातवां, आठवां भाव ये बहुत महत्वपूर्ण है। सारे महत्वपूर्ण है लेकिन पत्नी के पॉइंट ऑफ व्यू से दूसरा, चौथा, सातवां, आठवां बहुत महत्वपूर्ण है। यदि इन भावों में कहीं भी क्रूर ग्रहों का प्रभाव है तो पत्नी के स्वास्थ्य में समस्या रहेगी। उसमें से भी विशेष रूप से पुरुषों की कुंडली का सातवां और आठवां भाव अच्छा नहीं है तो उनकी पत्नी बीमार रहेगी। अगर पुरुष का मंगल अच्छा नहीं है और बलवान भी हो गया है, अच्छा नहीं है और बलवान यानी बुरा आदमी बलवान हो गया, तो ऐसे में पत्नी रोगी रहेगी और रोग आसानी से पता नहीं चलेगा और उसका विशेष लक्षण क्या है कुछ ना कुछ रोज होता रहेगा। कभी सिर में दर्द, कभी कमर में दर्द, कभी पैरों में दर्द, कभी कोई इन्फेक्शन, कभी कुछ, और शरीर गिरेगा, गिरेगा से मतलब ढलका हुआ सा रहेगा, सुस्ती रहेगी, कमजोरी का अनुभव होगा। मैं फिर से ये लक्षण बता रहा हूं, उसको ध्यान से सुनिए क्योंकि आप इसमें बहुत कुछ कर सकते हैं, इसलिए कह रहा हूं। यदि सप्तम या अष्टम पर बुरे मंगल का ज्यादा प्रभाव है तो पत्नी को कोई ना कोई छोटा मोटा रोग तो चलता रहेगा और जिसकी वजह से वह शरीर में कमजोरी का अनुभव करेगी और इसकी वजह से वह घर गृहस्थी के कार्य को निभाएंगी तो जरूर, लेकिन उस रुचि के साथ नहीं निभा पाएंगी या उस स्फूर्ति के साथ, उस चुस्ती के साथ नहीं कर पाएंगी जिसकी वजह से घर में चिड़चिड़ाहट होनी शुरू हो जाती है। पति पत्नी के आपसी रिश्तों में भी कड़वाहट घुलने लगती है और साथ ही साथ बच्चे भी सफर करते हैं। दूसरी बहुत महत्वपूर्ण बात, यदि शनि का प्रभाव, और शनि भी यदि क्रूर है और शनि का प्रभाव यदि सातवें आठवें भाव पर पड़ रहा है और सातवें आठवें भाव पर कोई भी शुभ ग्रह का प्रभाव या तो है नहीं, है तो बहुत कमजोर है, तो ऐसी स्थिति में भी पत्नी के रक्त और हड्डियों संबंधी परेशानियों की वजह से घर गृहस्थी के कार्य या दायित्व निभाने में बड़ी दिक्कत आएगी। बीमार रहेंगे, कभी शरीर में दर्द होगा, कभी हड्डी में दर्द होगा, कभी हड्डी टूट जाएगी, चलने फिरने में दिक्कत आएगी, सुबह उठने में दिक्कत आएगी, दोपहर में नींद बहुत आएगी, चुस्ती फुर्ती से वह कार्य नहीं कर पाएंगी। अच्छा एक चीज और भी सुनिए जो सबसे महत्वपूर्ण है, जिस पर 100% आप काम कर सकते हैं, वो ये है कि जब भी मंगल शनि और राहु का प्रभाव सातवें आठवें भाव पर होता है तो पति पत्नी का विचार नहीं मिलता, सोच नहीं मिलती,
अब कौन सही कौन गलत ये कहना तो मुश्किल है, लेकिन विचार ना मिलने की वजह से एक बहुत बड़ी परेशानी होती है, पता है क्या? कलह का वातावरण बनता है, एक दूसरे से रुष्ट रहने का वातावरण बनता, असुरक्षा का वातावरण घर में बनने लगता है, जिससे एक अजीब सी नकारात्मकता घर में व्याप्त होने लगती है। और यह नकारात्मक क्योंकि स्त्रियों में संवेदनशीलता अधिक होती है, इसलिए इस नकारात्मकता का प्रभाव उन पर अधिक पड़ता है और वह अंदर ही अंदर घुटना शुरू हो जाती हैं, जिसकी वजह से शरीर में चुस्ती गायब हो जाती है, चेहरे की रौनक चमक गायब हो जाती है। धीरे धीरे यही चीज उनके रक्त को प्रभावित करती है और रक्त के प्रमुख अवयव वह डिस्टर्ब होने लगते हैं, हार्मोनल डिस्टर्बेंस होना शुरू हो जाता है, सर में दर्द रहने लगता है और किसी भी काम को वह रुचि से या खुशी से नहीं कर पाती। और ये वो स्थान है जहां पर आप सब कुछ कर सकते हैं, आप उन्हें खुश रखने की कोशिश कीजिए और मंगल राहु और शनि को मात दीजिए। तो पत्नी की बीमारी का कारण केवल उनका स्वास्थ्य ही नहीं है बल्कि उनका मूड भी है। और आपके सातवें आठवें भाव में मंगल या राहु या शनि का प्रभाव है तो यह आपको उनकी ओर से चिंतित रखेगा ही, लेकिन चिंता करने से कुछ नहीं होगा। इलाज करवाइए और उन्हें खुश रखिए, जो सबसे महत्वपूर्ण चीज़ है उन्हें खुश रखिए, क्योंकि जब व्यक्ति लड़ता है तो दुखी तो वो स्वयं भी होता है, तो आप भी घुटें वो उधर घुटें उससे तो अच्छा, दोनों लोग खुश रह लें। अब एक तो चीज़ यही है, सबसे बड़ा उपाय तो यह व्यवहार में परिवर्तन हो और आप उन्हें खुश रखने की कोशिश करें। वो ठहाका मार के हंसें और देखिए, बहुत सारी स्त्रियां जब उनके पति उन्हें हंसाने की कोशिश करते हैं हंसती नहीं है, वो तो गांठ लगा के बैठती हैं, हमें तो नहीं तो गुस्सा ही रहना है, हमें तो सुस्ती रहना है, हमें तो उदास ही रहना है। ऐसा मत कीजिए, क्योंकि बच्चे सफ़र करते हैं। तो जो माँ जितनी चैतन्य होती है, जितनी खुश मिजाज होती है, उसके बच्चों का भविष्य भी उतना बेहतर होता है, उसके बच्चों का व्यवहार भी उतना सुंदर होता है। इसके अलावा कुछ अलौकिक उपाय भी आपको करने चाहिए, वो क्या है बहुत गौर से कुछ चीजें नोट कीजिए। शुक्ल पक्ष के एक मंगलवार को लकड़ी के बर्तन में शहद भर के, मेरा हाथ तो थोड़ा बड़ा हो गया, ये इतना सा भी हो सकता है, उसमें शहद भर के घर की छत पे रख दिया कीजिए। अगले मंगल जब भी करेंगे एक महीने के बाद, उसको फिर आप कूड़े में फेंक सकते हैं, फिर दूसरा रख दीजिए। इतनी सी छोटी छोटी लकड़ी की आपको वो मिल जाएगी मटकिया साहब टाइप, और उसमें ये कार्य करके रख दीजिएगा, बहुत फायदा मिलेगा। पुरुष को करना है ये कार्य। अब ये भी स्त्रियों में मत छोड़ दीजिएगा कि तुम्हें खुश रहना है तो तुम करो उपाय, आप कीजिए। दूसरी चीज, आपको मंगलवार के दिन पत्नी के साथ बरगद के पेड़ तक चल के जाना है। अब ये मत कहिए घर में लगा लेते हैं, चल के जाना है। और बरगद के पेड़ की जड़ में आधी आधी चम्मच दूध डाल दीजिएगा, दोनों लोग जड़ से थोड़ा सा पीछे, अब एकदम जड़ में दूध नहीं डालना चाहिए, मट्ठा नहीं डालना चाहिए, दही नहीं डालना चाहिए, थोड़ा सा पीछे। और उस गीली मिट्टी को ले आइए कटोरी में भर के, और रोज़ाना जिसको जब मौका मिले उस गीली मिट्टी का तिलक कर लिया करें, वो बाद में सूख जाएगी, आप उसे पुनः थोड़ा सा जल डाल के गीला करके उसका तिलक कर लिया कीजिए, बड़ा सुधार आएगा। एक उपाय और मैं बताता हूं, जरा ध्यान से सुनिए। ऐसे पुरुष शीशे के गिलास का प्रयोग करना बंद कर दें और महीने में किसी एक मंगलवार शीशे के गिलास में दूध भरकर किसी गरीब को पिला दिया करें। एक और उपाय, किशोरों को भोजन दें और वो भोजन में बेसन अवश्य हो, यानी जो किशोर लड़के हैं उन्हें भोजन दें और उस भोजन में बेसन हो, चाहे बेसन का लड्डू, चाहे बेसन की रोटी या बेसन की सब्जी। कुछ और मैं आपको उपाय बता रहा हूं जिससे निश्चित रूप से आपकी पत्नी को स्वास्थ्य लाभ होगा
और वो खुश रहने लगेंगी। अभी बता रहा हूँ, पहले मैं आपको मेष से कन्या राशि तक का हाल, आज का हाल बता देता हूँ। मेष राशि, मन थोड़ा सा उदास रहेगा, कुछ सुस्ती सी महसूस करेंगे, लेकिन अपने कार्य करना छोड़िएगा नहीं। भाग्य पक्ष बुरा नहीं है, इस दिन कुछ हासिल हो सकता है। उड़द की दाल का दान जरूर कर दें। वृषभ राशि, भाग्य पक्ष उस दिन बहुत कमजोर है, अपने पेट का भी आपको ख्याल रखना होगा। खास तौर से जिनको पेट में दर्द रहता है या कभी पथरी की शिकायत रहती है, ऐसे लोग इस दिन बहुत परहेजी खाना या जो चिकित्सीय सलाह हो उस अनुसार चलें। जल का सेवन इस दिन खूब कीजिएगा और शमश निश्चराय नमः का जप जरूर कर लीजिएगा। मिथुन राशि, वैसे तो ये दिन ठीक है, लेकिन रिश्तों की दृष्टि से दिन थोड़ा सा कमजोर है, उन पर जरा ख्याल ज्यादा रखिएगा। हाँ, प्रमोशन आदि की बातचीत के लिए दिन अच्छा है। ओम हनुमते नमः का जप करें, फिर अपने काम पर जुटें, वो सब ठीक करेंगे। कर्क राशि, आपके गुस्से की वजह से या चिड़चिड़ेपन की वजह से या जल्दबाजी की वजह से कहीं कोई परेशानी हो सकती है, थोड़ा सा ध्यान रखकर चलेंगे तो अच्छा रहेगा। कुत्तों की सेवा इस दिन जरूर करें। सिंह राशि, यह दिन आपके लिए आगे बढ़ने के लिए बहुत अच्छा है। रुके हुए कार्य को आगे बढ़ाइए, कार्यों में आ रही बाधाएं इस दिन समाप्त होंगी। किसी व्यक्ति के द्वारा डाली जा रही बाधाएं भी इस दिन समाप्त हो सकती हैं, इसलिए जम के मेहनत कीजिए, सूर्य को जल दीजिए, अपने काम पर जुटिए। कन्या राशि, अपने पेट का ख्याल रखें। विद्यार्थियों को इस दिन बहुत ध्यान रखना होगा, वो किसी लड़ाई झगड़े में ना उलझ जाएं। इस दिन कॉन्सेंट्रेशन की कमी की वजह से भी कुछ परेशानी हो सकती है, वाहन ध्यान से चलाइएगा। एक उपाय करें, आप कच्ची सब्जी का दान किसी 8 वर्ष से छोटी कन्या को कर दीजिए, तो वो जी सब ठीक करेंगे। ऐसे लोग एक कार्य करें, कभी कभी शनिवार के दिन, कृष्ण पक्ष के शनिवार की मैं बात कर रहा हूँ, माह में एक बार नदी किनारे जाकर वहाँ पर मंदिर हो या लोग हों, उन्हें नारियल बांट दिया करें, बड़ा लाभ होगा। मैं प्रवाहित करने को नहीं कह रहा हूँ, मैं बांटने को कह रहा हूँ। नारियल फोड़ के बांट दीजिए, साबुत दे दीजिए, दे दीजिए, इससे बड़ा लाभ होगा। एक और उपाय नोट कीजिए, पत्नी के जन्म मास से 8वें महीने एक विशेष उपाय मैं आपसे करवा रहा हूँ। यानी मान लीजिए पत्नी का जन्म जनवरी में हुआ है तो 8वां महीना अगस्त हुआ, या फरवरी में हुआ है तो 8वां महीना सितंबर हुआ। यानी 8वें महीने पति पत्नी बैठकर रुद्राय नमः की 5 मालाएं एक साथ कर लें। अगर किसी कारणवश यह संभव नहीं हो पा रहा है तो उस दिन शिवलिंग का अभिषेक करें, शिवलिंग के साथ स्फटिक, और इसे घर में भी कर सकते हैं, और अगर रुद्राभिषेक कराएं तो बहुत अच्छा है। पत्नी का रुद्राभिषेक, पति यजमान बने और पत्नी का रुद्राभिषेक कराएं, और उसके बाद 7 अनाज पत्नी के वजन के लगभग तिहाई अवश्य हो, वजन बराबर हो तो बहुत ही अच्छा है, ये 7 अनाज तुलवा के ये दान करते हैं। आप देखना अद्भुत शांति घर में आने लगेगी। और वर्ष में एक ही बार करना है, इसलिए कोई बहुत कठिन बात तो यह है नहीं, लेकिन घर के सुख शांति के लिए बहुत महत्वपूर्ण है। और नोट कीजिए एक बात, ऐसे लोगों को, ऐसे पुरुषों को पत्नी के जन्म दिवस पर एक काम करना है, 2 डिबिया लें, उसमें गंगा जल भरें और चांदी के 2 छोटे छोटे टुकड़े उसमें डाल दें, एक अपने पास रखें, एक पत्नी को दे दें, और पत्नी भी कोशिश करें कि उसको अपने सिरहाने रखा करें। ये उन जोड़ों के लिए बहुत विशेष है जिनके मंगल नहीं मिल पाए या सप्तम भाव नहीं मिल पाया, या राहु का संकट जिनके सप्तम भाव पर है। समय तो जरूर लगेगा, लेकिन धीरे 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 आपसी वैमनस्य, लड़ाई झगड़ा, अविश्वास, वह भी दूर होगा, और साथ ही साथ पत्नी की मानसिक शारीरिक स्थिति बेहतर होनी शुरू होगी, वो खुश रहने लगेंगी। और घर की स्त्री यदि खुश है तो घर में लक्ष्मी आती है, लोग खुश रहते हैं, संपन्नता आती है और बच्चों की जिंदगी संवरने लगती है। एक बहुत विशेष उपाय मैं आपको बताना चाहता हूँ जो अद्भुत फल देता है, लेकिन तुला राशि से मीन राशि तक का हाल बता दूँ।
तुला राशि, अचानक कोई यात्रा करनी पड़ सकती है, अचानक कोई मित्र रूठ सकता है या छोटे भाई बहनों के साथ कोई दिक्कत हो सकती है। कुल मिला के आज आपको अपना बहुत ध्यान रखना है, अपने रिश्ते नातों का बहुत ध्यान रखने की आवश्यकता है। इस दिन न धन दीजिएगा न धन लीजिएगा, एक छोटा सा उपाय कर लीजिएगा। इस दिन दही और शक्कर का दान अवश्य कर दीजिएगा किसी को। वृश्चिक राशि, भाग्य पक्ष बहुत अच्छा नहीं है, इसलिए बड़े फैसले आज मत लीजिएगा, वाहन बहुत ध्यान से चलाइएगा, अरहर की दाल का दान जरूर कर दें। धनु राशि, वक्त आपके लिए कुछ विशेष देने वाला है, लेकिन आपको चिंताएं जरूर घेरे रहेंगी, चिंताओं से थोड़ी मुक्ति पानी होगी और आज आपको जल का दान या जल लोगों को खूब पिलाना है। मकर राशि, भाग्य पक्ष आपका थोड़ा सा कमजोर है, इस दिन घर गृहस्थी में कोई वाद विवाद हो सकता है, थोड़ा ध्यान रख के चलने की आवश्यकता है। बाकी एक छोटा सा उपाय कर लें, रोली का तिलक करें और उसके बाद अपने काम पर जुटें। कुंभ राशि, यह दिन आपके आगे बढ़ने के लिए बहुत अच्छा है, बस घर गृहस्थी में कोई वाद विवाद आपकी वजह से ना हो तो ये ध्यान रखें, और दूसरी बात यदि आपको ठंड की कोई शिकायत रहती हो तो उससे बचने की कोशिश करें। बाकी दिन अच्छा है, एक छोटा सा उपाय कर लीजिएगा, नमः शिवाय का जप करके फिर अपने काम पर जुटिएगा तो सब ठीक करेंगे। मीन राशि, इस दिन प्रतिष्ठा के लिए थोड़ा सा सतर्क रहना होगा, क्योंकि बहुत अच्छा दिन नहीं कहा जा सकता, किसी व्यक्ति की वजह से आपको भविष्य की चिंता हो जाएगी, इसलिए शांत रहें, मस्त रहें, अपने काम से काम रखें और एक छोटा सा उपाय कर लें, रुद्राय नमः का जप करें फिर अपने काम पर जुटें तो सब ठीक करेंगे। और हम में से कुछ लोगों का जन्मदिन है तो चलिए कहते हैं आपको जन्मदिन की बहुत सारी शुभकामनाएं। दीर्घायुरारोग्यमस्तु, सुयशः भवतु, विजयः भवतु, जन्मदिन शुभेच्छा। आपके आगे आने वाले 12 महीने बहुत अच्छे हैं, पिछले वर्ष के छूटे हुए काम आगे बढ़ेंगे और आप सफलता प्राप्त कर सकते हैं। कॉम्पिटेटिव एग्जामिनेशन में जो लोग लगे हुए हैं या कुछ लोग जो नया कार्य करना चाहते हैं, नए स्थान पर जाना चाहते हैं, उन लोगों के लिए ये 12 महीने बहुत महत्वपूर्ण है, इसलिए जम के अपना कार्य करते रहिएगा। बस स्वास्थ्य थोड़ा सा खराब रहेगा और घर के लोगों के स्वास्थ्य की चिंता भी आपको परेशान करेगी, कोई भावनात्मक परेशानी भी घर में हो सकती है, बस आप एक उपाय करना, नमः शिवाय का रोजाना जप करिएगा और आज माँ या मौसी के हाथ से चांदी की चेन लेकर अपने गले में पहन लीजिएगा। ऑल द बेस्ट। चलते चलते एक बहुत विशेष उपाय बता रहा हूं, यदि किसी कारण से आपको ये लगता है कि कुंडलियां ढंग से मैच नहीं हुई, पत्नी बीमार रहती हैं, कमजोर रहती हैं, घर गृहस्थी का ख्याल अपनी बीमारी के चलते या कमजोरी के चलते उतना नहीं रख पाती या वो खुश नहीं रहती, एक काम करना, चांदी की एक ठोस चीज़, चाहे चांदी की एक गोली हो या कुछ और जैसी आपकी जेब अलाउ करती है, चांदी की एक ठोस चीज़ उनके सरहाने में रखना या उनके गले में पहना देना, चांदी की ठोस गोली चांदी की चेन में किसी सोमवार को उनके गले में भी पहनाई जा सकती है, अब देखना बहुत लाभ होगा। और चलते चलते एक बात कहना चाहूँगा, अगर दोनों लोग एक दूसरे का साथ देते हैं, हंसते मुस्कुराते हुए साथ चलते हैं तो ज़िंदगी बहुत आसान हो जाती है, सच कह रहा हूँ, ज़िंदगी बहुत आसान हो जाती है। हम किसी की घुटन को दूर करते हैं और स्वयं भी घुटने से बच जाते हैं और पूरी ऊर्जा, पूरी ताकत और वो जो मानसिक शांति जो सबसे बड़ा वरदान है प्रभु का, वो सब मिलकर हम जीवन में खुशहाल बनने के लिए कार्य करते हैं और उससे हमें लाभ होता है, नहीं तो हमारी ऊर्जाएं, हमारे एफर्ट्स बट जाते हैं। तो खुश रहिए और इसके लिए खुश रखना भी जरूरी है। राम राम, नमस्कार, भारत माता की जय। ये है ABP News, आपको रखे आगे।